आज सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय कुमार सिंह जो निर्भया कांड में एक कॉन्विक्ट थे उसका एक जो रिव्यू पिटिशन था सुप्रीम कोर्ट में उसको उन्होंने आज डिसमिस किया। अक्षय सिंह ने आके यहाँ पे अपने जो मृत्युदंड का जो डेथ पेनल्टी का जो सेंटेंस था उसके अगेंस्ट पिटिशन फाइल किया था, याचिका फाइल किया गया था रिव्यू पिटिशन और उनके कन्विक्शन के अगेंस्ट भी। तो आज कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स चले थे उनके वकील ए पी सिंह के तौर से जिसमें उन्होंने बोला था कि देखो उसने कुछ दो टाइप के आर्ग्यूमेंट किए थे। उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे कुछ नए फैक्ट्स भी हैं कि उसके निर्भया जो ज्योति सिंह जो विक्टिम थे इसमें जिनको इन्होंने गैंगरेप और मर्डर किया था उसके जो डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बारे में वो बोल रहे थे कुछ प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो मॉर्फिन उनको बहुत मॉर्फिन दिया गया था। और उसने ये भी बोला था कि देखो यहाँ पे जो डेंटल मार्क्स थे जिससे आइडेंटिफाई हो गए थे बाद में मौलाना आजाद डेंटल इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट है कि एक्चुअली जो अक्षय सिंह है उसके उसके मुंह के साइज से नहीं है। तो उसने इस टाइप के कुछ बोले थे। उसने बोला था कि देखो एक बुक भी आया है जो तिहाड़ जेल का जो जेलर है सुनील गुप्ता ब्लैक वारंट के नाम से सुनीता चौधरी के साथ उसमें उन्होंने लिखा था कि जो राम सिंह जो एक दूसरा जो एक और भी अक्यूज था इस केस में जो तिहाड़ जेल में मिला था जब उसने एक सुसाइड कमिट किया था आत्महत्या किया था और उन्होंने बताया कि उसमें कुछ डिस्क्रेपेंसीज है सुनील गुप्ता ने भी अपने बुक में लिखा है तो ये भी देखना चाहिए और इस केस में एटलीस्ट डेथ पेनल्टी नहीं देना चाहिए मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। पर आज कोर्ट ने सब ग्राउंड्स पे उसको रिजेक्ट किया था। उन्होंने बताया जो भी ये आर्ग्यूमेंट्स आए थे वो एक तो अगर जो जैसे बोले थे वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट से कोई मतलब नहीं है और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है पुराने जजमेंट पे और दूसरे जो आर्ग्यूमेंट्स रेज किए गए थे एपी सिंह के साइड से वो सब पुराने वाली आर्ग्यूमेंट्स है जो ऑलरेडी कोर्ट ने रिजेक्ट किया। उन्होंने सुन के देखा है कि हाँ ये एविडेंस नहीं था वो नहीं था अक्षय सिंह पहले वाले डाइंग डिक्लेरेशन नहीं था इन सब चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रिजेक्ट किया। फिर बोला ये सब चीज़ों से कोई ग्राउंड्स नहीं थे रिव्यू के लिए जो बाद में भी आए थे कि अच्छा देखो डेथ पेनल्टी बस जो कुछ ही लोगों के लिए हो जाता है वो सब के लिए नहीं होता है वो डिस्क्रिमिनेट ही होता है क्योंकि वो बस पुअर लोग के लिए हो जाता है वो सब चीज़ें उन्होंने बोला ये गलत है ये कोई ग्राउंड्स नहीं है रिव्यू के लिए। और एपी सिंह ने ये भी कोशिश किया था बोलने के लिए कि देखो यूके जहाँ से हमें अपने कानून मिला था मृत्युदंड के बारे में वो उन्होंने भी इसको निकाल दिया है उन्होंने भी ख़त्म किया है डेथ सेंटेंस को। उसने ये भी बोला था कि देखो दिल्ली में इतना लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम ऑलरेडी हो गया है तो यहाँ पे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी पुराने वाले थे काफ़ी कुछ तो इतने अच्छे भी नहीं थे जैसे ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो दिल्ली गवर्नमेंट के साइड से आए थे यहाँ पे उन्होंने पूरा आर्ग्यू किया था ये गलत है यहाँ पे कोई भी मर्सी नहीं होना चाहिए क्योंकि जो इस टाइप का कांड हुआ था यहाँ पे ये गलत है और इसको और इसमें जो कॉन्विक्ट्स हैं उनको मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। कोर्ट ने एक रिक्वेस्ट के सामने एक और रिक्वेस्ट आया था एपी सिंह के साइड से उसने बोला था कि अच्छा अभी मैं एक मर्सी पिटिशन मर्सी याचिका फाइल करने वाला हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ राष्ट्रपति के साथ तो उसके लिए मुझे 3 हफ्ते दे दो इनका तब तक एग्जीक्यूशन वारंट तो मत कराओ। फिर तुषार मेहता जो उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे एक ही हफ्ते का टाइम होता है वो मर्सी पिटिशन फाइल करने के लिए उसे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। तो अभी देखना पड़ेगा अभी पटियाला हाउस में एक पिटिशन फाइल किया गया है एक केस फाइल किया गया है ज्योति सिंह के पेरेंट्स के साइड से आभा सिंह और उनके पिताजी के साइड से उसमें उन्होंने बोला कि यहाँ पे डेथ वारंट जल्द से जल्द दे दो इनको। तो अभी देखना पड़ेगा क्या पटियाला हाउस में क्या आने वाला है वहाँ से। साथ में हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि अभी मर्सी पिटिशन्स बाकी है अक्षय सिंह के साथ और दो और भी जो अक्यूज्ड है एक अक्यूज्ड का जो मर्सी पिटिशन ऑलरेडी राष्ट्रपति के सामने हैं लॉ मिनिस्ट्री और दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोला कि उसको रिजेक्ट करना चाहिए। उसके बाद तो क्यूरेटिव पिटिशंस भी रहते हैं इनके पास तो अभी कोई जल्द से जल्द इनका इनका वो जो हैंगिंग है वो नहीं होने वाला है उनका एग्जीक्यूशन नहीं होने वाला है पर अभी देखना पड़ेगा कितना टाइम होगा क्योंकि अभी मर्सी पिटिशंस फाइल करने के लिए 7 दिन होते हैं उसके बाद फिर अगर क्यूरेटिव हो जाए डेथ वारंट निकलने के बाद कुछ 14 दिन नॉमिनी लगते हैं तो अभी जल्द से जल्द तो उनका एग्जीक्यूशन नहीं होने वाला है पर अभी देखते हैं क्या होता है इस केस में आगे जाते हुए। कोर्ट ने 7 तारीख को डेट दिया है एक बार फिर कोर्ट ने उनको मौका दे दिया कि जितनी रेमडी है ले आओ हम फिर एक बार डेट देंगे क्योंकि उनका अधिकार है हमारा
कुछ नहीं अधिकार है, तो कहीं ना कोई कोठामे गुमराह कर रहा है, उनको मौका दे रहा है। बिल्कुल नाराज है, उनका अधिकार को देखा जा रहा है, हमारा तो सुना भी नहीं जा रहा है, हमको तो मौका भी नहीं मिलता। लेकिन मैं मुझे हाँ आज सुनवाई के बाद यही कहना चाहती हैं कि 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ, एक साल से मैं पटियाला कोर्ट में दौड़ रही हूँ, लेकिन कोर्ट का हमारा अधिकार नहीं दिखाई देता, उनका अधिकार देता। कोर्ट ने 7 तारीख को डेट दिया है और कोई गारंटी नहीं है कि उस दिन भी उनको सजा मिलेगी।